बाल विवाह ते सुप्रीम कोर्ट देवल एक बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह कानून सारे पर्सनल लॉ ते लागू होगा। जीवन साथी चुनना हर किसी का अधिकार है। बाल विवाह जीवन साथी चुनने का विकल्प खोल लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवियां गाइडलाइंस इस बाबत जारी कीतियां ने। सिर्फ सजा दे नाल कुछ नहीं होवेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देवल एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। बाल विवाह रोकने लई जागरूकता मुहिम दी लोड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ दे वालों इस गल का जिक्र जो है वो किया गया। बाल विवाह से सुप्रीम कोर्ट दे वालों एक बड़ा बयान एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। बड़ी टिप्पणियां इस बाबत कीतियां गई ने। जिक्र जो है कि इस पूरे मामले को लेकर आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट च आ पूरी सुनवाई हुई सी ते टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट दे वालों इस बाबत कहा गया है कि बाल विवाह कानून सारे पर्सनल लॉ ते लागू रहेगा। जीवन साथी चुनना हर किसी का अधिकार खेतर है। बाल विवाह जीवन साथी चुनने का जो विकल्प है वह खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवियां गाइडलाइंस इस बाबत जारी कीतियां ने ते कहा है कि सिर्फ सजा दे नाल कुछ नहीं होएगा। इस बाबत जागरूकता फैलाउण दी लोड़ है। जागरूकता मुहिम छेड़न दी लोड़ है। बाल विवाह से सुप्रीम कोर्ट के वालों एक बड़ा फैसला टिप्पणी की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वालों कहा गया है कि सिर्फ सजा के नाल कुछ भी नहीं होएगा। इस बाबत जो है जागरूकता मुहिम छेड़न की लोड़ है। जीवन साथी चुनना हर किसी का अधिकार है। इसलिए उचाले सुप्रीम कोर्ट के वालों इस बाबत नवियां गाइडलाइंस जारी कीतियां गई हैं। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए ने। शंकर, एक बड़े जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, ये फैसला सारे पर्सनल लॉस पे भी लागू होगा? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह रोकथाम कानून को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे परंपरा है हमारे सोसाइटी में जिसके तहत बाल विवाह को जो है आगे किया जाता था, लेकिन इस मामले पर पिछले काफी समय से हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जाता है कि बाल विवाह को रोका जा सके, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से याचिकाएं दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह रोकथाम कानून को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत और परंपराओं के तहत बाधित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाल विवाह की रोकथाम पर कानून के प्रभावी उसके जो इम्प्लीमेंट है उसको करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरह कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और इस फैसले से बाल विवाह पर पूर्ण तौर पर रोक जो है आने वाले दिनों में लगाया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।